माँ मैना बंती कह दे बेटा गोपीचंद, आपका आदेश है अक मैं फकीरी ले लूं, बिल्कुल महात्मा बन जाऊं। मैं ये चाहती हूँ कि तू महात्मा बन जाए और जोग धारण कर ले। पर तू न्यू बता, अकेले बेटे ने जोगी बनावे, तेरी बुद्धि खराब होली? मेरी बुद्धि खराब नहीं हुई है पागल, मेरी बुद्धि ने अब काम करना शुरू किया है। तू नहीं जानता मैं तुझे अमर कराना चाहती हूँ। तेरे मामा ने यानी कि मेरे भाई ने मुझे ये बताया है कि तू अमर हो जाएगा और तू कभी मर नहीं पाएगा जोग लेने से। बिल्कुल, तू जोग ले ले, तू कभी मर नहीं पाएगा। अरे पगली, भगवान राम और कृष्ण जैसे इस दुनिया से चले गए तो मेरी और तेरी तो औकात का आया। बस मैं ज्यादा तेरी बात सुनना नहीं चाहती, सिर्फ ये बता तू महात्मा बनेगा या नहीं बनेगा। माँ क्या तेरी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि इकलौता बेटा महात्मा बन जाए? तू मुझसे तर्क मत कर, सिर्फ ये बता कि महात्मा बनेगा या नहीं बनेगा। मैं माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं महात्मा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या प्रार्थना करना चाहते हो? सुन जरा। बाबा जी बन जा, अरे तू इस तरह से मरेगा भी नहीं और अमर हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने इकलौते बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती। तू सदा अमर रहे, बस मेरी यही इच्छा है।
अरे करम बिना ना राज राज बिना ए करम बिना राज राज बिने त्याग धर्म की ताने ना बिना राज ना सजे कचेरी बिन राज मुकदमा छाने ना बिना राज नहीं इज्जत जग में राज बिना कोई जाने ना से मैं अमर हो जाऊंगा। हाँ मेरी बेटी। माँ शायद तूने या तो तेरी सुनने में कहीं गलती हुई है या तेरा दिमाग चकरा गया है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर फकीर, लेकिन तू नहीं जाएगा। अरे जब तू जोग धारण कर लेगा तो तेरी ये काया अमर हो जाएगी और तू कभी मर नहीं पाएगा। लेकिन माँ ये सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? इसका एक उदाहरण मैं तेरे सामने पेश करता हूँ। मेरे भाई ने मुझे बताया है और मेरा भाई कभी झूठ नहीं बोलता। अरे कुंभकर्ण हिरणाकुश रावण जरासंध और शिशुपाल भीम युधिष्ठिर दुर्योधन थे उनको भी मार खा गया काल। जब ऐसे ऐसे वीर चले गए क्यों कर बज जा तेरा लाल। ऐसे ऐसे वीर चले गए क्यों कर बज जा तेरा लाल। ओ, ओ, ओ मत बेटा दूर जाने दे मत दूर अंतिम कड़ी में समझाने लग गया। अकरी माँ एक परम पिता परमेश्वर अजर और अमर है, उसके अलावा चाहे कोई कितनी ही कला से क्यों ना पैदा हुआ हो पर माँ जिसने जन्म लिया है उस जीव की मृत्यु निश्चित है। मेरे बेटे गोपीचंद अगर तूने अब मेरी बात नहीं मानी ना तो तेरी ये माँ अभी यहीं पर प्राण त्याग देगी। या तो तू मेरी बात को मान ले नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। माँ मैं तेरी बात को जरूर मानूंगा, बस एक उदाहरण और देता हूँ, अगर तेरी समझ में आ जाए तो मान लेना
और नहीं तो तेरा बेटा आज ही जोग ले लेगा, कान पड़ा लेगा। कहे अपनी बात सुन ले माँ। अरे पेश चालती मस्जिद छोड़े महल चुबारा ने, मंदिर दिले कोट बड़ा मस्जिद छोड़े कले तुम्हारा ने। मने न्यो है गाने दे, मने न्यो है गाने दे, तुझे जगल ताली, जोरदार ताली।